हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम फिर से निकल गए एक और ट्रिप पर। आज की ट्रिप हमारी होने वाली है अजमेर, राजस्थान की। अजमेर पुष्कर घूमने जा रहे हैं हम तो आज फिर से देखेंगे गाड़ी कैसी माइलेज देती है, हाईवे पर कैसा इसका परफॉर्मेंस होता है। ट्रिप हमने घर से कर दी थी जीरो, 26 किलोमीटर हम चल चुके घर से। टोटल रनिंग हमारी टोटल हाईवे की होने वाली है ऑलमोस्ट। थोड़ी बहुत सिटी में जो आएगी वो आएगी, तो बने रहिए वीडियो में, देखते हैं कैसी परफॉर्म। क्रॉस कर लिया जयपुर, जयपुर के बिल्कुल एग्जिट पर है अजमेर। यहाँ से बच गया लगभग 100 किलोमीटर। गाड़ी हमारी चल चुकी 227 किलोमीटर। गाड़ी बिल्कुल अच्छी चल रही है। एक बार हमने सीएनजी इसमें फुल करवा ली। अभी फुल करवाने के बाद हमने ट्रिप जीरो की थी, तो डलवाने के बाद हमारी गाड़ी चल चुकी 55.8 किलोमीटर सीएनजी डलवाने के बाद। अभी तक फुल ही शो कर रही है, देखो कितना और चलती है गाड़ी। अजमेर पहुंचने के बाद आपको अपडेट करते हैं, बने रहिए वीडियो में। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं किशनगढ़ को, जो कि मार्बल के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर स्पेशल मंडी है एक मार्बल की, यहाँ से दूर दूर से लोग मार्बल लेके जाते हैं। जो हमारे घरों में मार्बल यूज होता है सब यहीं से जाता है, किशनगढ़ और भीलवाड़ा से। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, बिल्कुल सीधा रोड, बिल्कुल मन ही नहीं भर रहा है यहाँ से। कुछ भी थकान वगैरह महसूस नहीं हो रही है, बहुत अच्छा रोड है। गाड़ी हमारा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, देखिए बिल्कुल भी क्राउड नहीं है रोड पर, ट्रैफिक नहीं है, आराम से चल रहे हैं हम। 90-100 की स्पीड हमारी आराम से मेंटेन हो रही है, बने रहिए वीडियो में। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पर। ये देखिए हमारे घर से टोटल 362.3 किलोमीटर पड़ा है ये, और अभी आके हमने सीएनजी फिलअप करवाई है इसमें। तो आने में बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई, गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हम लोगों ने आज यहाँ स्टे किया अजमेर में, यहाँ हमारे कोई नाम रहते हैं उनके पास, फिर सुबह निकलेंगे पुष्कर के लिए। वैसे गाड़ी से मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा परफॉर्म ये करेगी, बिल्कुल कमांडिंग पोजिशन रही, बिल्कुल भी थकावट नहीं है। अभी टाइम हो चुका शाम के 7 बज चुके और 1 बजे हम घर से निकले थे। बाकी देखते हैं कैसा रहता है कल, क्या परफॉर्मेंस रहती है, अपडेट देंगे आपको सुबह, बने रहिए वीडियो में। आज है नेक्स्ट डे, तो हमने सुबह सुबह गाड़ी को साफ कर दिया, बिल्कुल चमका दिया। देखिए मैं हमेशा माइक्रोफाइबर यूज़ करता हूँ साफ करने के लिए। ये देखिए वॉशिंग किया मैंने सुबह सुबह, और जहाँ हम आए हुए हैं वो देखिए कितनी अच्छी लोकेशन है। देखिए बहुत अच्छा एरिया था रुकने के लिए, यहाँ पार्क है सामने, मंदिर, यहाँ पर हम रुके हुए हैं। ये हमारी गाड़ी, बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है ये देखिए पार्क है, झूले हैं, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो चलते हैं अब थोड़ी देर में पुष्कर के लिए निकलते हैं, बने रहिए वीडियो में। हम निकल चुके हैं पुष्कर के लिए, अजमेर क्रॉस कर रहे हैं अभी। देखिए सामने पहाड़ है, आज क्राउड बहुत ज़्यादा है क्योंकि पुष्कर में आज अमावस्या के कारण इवेंट चल रहे हैं बहुत सारे। ये आगे हमारे मोम की गाड़ी चल रही है, उनके साथ हम जा रहे हैं। घर से हम चल चुके टोटल 377 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर की हमारी वन साइड ट्रिप हो जाएगी ये, बने रहिए वीडियो। हम निकल चुके हैं अजमेर से और ये देखिए पहाड़ों के बीच से चल रहे हैं, गाड़ी सीएनजी पर ही चल रही है, चढ़ाई में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसमें, बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म कर रही है। देखिए सामने का नज़ारा, रास्ता है बिल्कुल शिमला मनाली की तरह। अपने पहाड़ क्रॉस करते ही अजमेर स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी पुष्कर स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए सामने घाटी है,
चुके हैं हम पुष्कर मंदिर के पास। पार्किंग में लगा दी गाड़ी, ये देखिए। हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ, ये देखिए काफी क्राउड है यहाँ पर। ये जो ब्रह्म घाट है यहाँ से, ये देखिए देखिए यहाँ पे ब्रह्म सरोवर है, यही मेन है सबसे। यहाँ पर इसी की पूजा होती है। यहाँ बोलते हैं कि साक्षात ब्रह्मा जी जल के रूप में विराजमान है। ये देखिए यहाँ पे क्राउड है। ब्रह्म सरोवर पर हमारी पूजा हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। पूरी क्राउड अब उसी की तरफ जा रही है, मंदिर की तरफ। यहाँ से थोड़ा आगे मंदिर है, मंदिर के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो बने रहिए वीडियो में। आगे फिर घर की तरफ चलेंगे। ये देखिए ये पुष्कर की मार्केट है, बहुत ज़्यादा क्राउड है मार्केट में, बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं। ये देखिए यहाँ पे अब मंदिर है, ये मंदिर है यहाँ पे ब्रह्मा जी का। यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है। मंदिर आ गए हैं यहाँ पर, दर्शन कर लेते हैं अंदर। अंदर फोन अलाउड नहीं है यहाँ पर। अभी हमने कर लिए दर्शन और जा रहे हैं वापस पार्किंग की तरफ। देखिए भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है। पूजा मंदिर में और अब निकल रहे हैं घर की तरफ वापिस। देखिए एग्जिट पॉइंट आ गया है यहाँ पर। यहाँ से अजमेर के लिए सीधा चलना पड़ेगा और लेफ्ट में गया ये गणेश जी मंदिर। देखिए चल रहे हैं अंदर के लिए, अब मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। यहाँ पे आ गए हम ब्रेकफास्ट करने के लिए, फास्ट करके फिर निकलेंगे घर की तरफ। लिया
खराब हो रहा है, यहाँ पर चल रहा है। कर लिए दर्शन बाबा के, जा रहे हैं वापस घर की तरफ। बहुत अच्छा सफर रहा हमारा ही, दो दिन का अच्छी ट्रिप रही। इसमें हमने कवर किया अजमेर, पुष्कर और खाटू श्याम जी। देखिए गाड़ी हमारी बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसने। और किलोमीटर की बात कर लें तो दिखाता हूँ आपको, चल चुकी 746.5 किलोमीटर टोटल। ये लगा लो कि लगभग 800 किलोमीटर हमारी हो जाएगी। ये हमने पूरी सीएनजी में ही चलाई है, पेट्रोल कहीं भी यूज नहीं किया इसमें आज हमने, ना ही कल कहीं पर यूज किया था। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है गाड़ी। इसका बूट और दिखा देता हूँ आपको, सामान से लोड है पूरा। देखिए इसका बूट हमारा, एक नॉन रस्ते में उतर चुका थोड़ा, उसका सामान उतार लिया तो ये खाली हो गया, वरना दो बैग उसके थे बिल्कुल फुल था बूट हमारा। घर पहुंचकर आपको अपडेट देता हूं मैं, कितना हमारा टोटल इसमें सीएनजी का खर्चा आ गया और क्या टोल का रहा हमारा, सब कुछ बताता हूं आपको, बने रहिए वीडियो में। अभी हम पहुंच चुके हमारे घर, और हमारी जो दो दिन की ट्रिप थी ये देखिए ऑलमोस्ट 780 किलोमीटर की हो गई, 779.3 किलोमीटर हमारी टोटल रही है। तो 780 लगा लीजिएगा इसको। इसकी अगर टोटल एक्सपेंडिचर की हमारी बात करें तो हमारी लगभग 2500 रुपये की सीएनजी लग गई। इसमें आई हमारी 29 किलो सीएनजी, और 29 किलो सीएनजी हमारी टोटल लगी है 779 किलोमीटर में। अगर एवरेज की हम बात करें तो लगभग 27 की एवरेज इसमें आ गई, जो जिससे मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं लगी मुझे इससे, क्योंकि हम
चार इसमें टोटल बंदे ट्रेवल कर रहे थे और हमारा फुल लगेज था, और जाते टाइम हम 5 बंदे थे, आते टाइम 4 थे, और स्पीड हमारी रही 80-100 के बीच, 80 से नीचे कहीं भी नहीं चली। तो मुझे इस स्पीड से और इस एवरेज से कोई 1% भी डाउट नहीं है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही गाड़ी की। चलाने में बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि हम पेट्रोल में चल रहे हैं या फिर CNG में चल रहे हैं, क्योंकि पुष्कर और अजमेर के बीच जो रास्ता था वो थोड़ा पहाड़ी इलाका था, घाटी वगैरह से निकलना था, जो कि आपने पीछे देखा भी होगा वीडियो से, वहाँ भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया गाड़ी ने। और ये देखिए हमारा घर है यहाँ पर, ये देखिए पहुँच चुके हम घर, और ये सामने कोई पड़ोसियों के एक इवेंट चल रहा है तो वहाँ लोग आए हुए हैं, प्रोग्राम है वहाँ छोटे बच्चे का कोई। अभी गाड़ी को कर देते हैं पार्किंग में खड़ी। तो ये रही हमारी आज की वीडियो, आपको समय समय पर ऐसी जानकारी देते रहेंगे, बने रहिए हमारे चैनल से, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।